साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज के इजलास से हमारे मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली है। ये साबित हो गया कि ये मुरासला दुरुस्त था और सियासी मुदाखलत हुई है। उन्होंने कहा कि आज के इजलास में कोई नई बात नहीं की गई। इसका हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे और वो इसकी तहकीकात करे। आज की इस इजलास ने हमारे मौक़िफ को मज़ीद तक़वियत दी है और ये साबित हो गया कि यह मरासला दुरुस्त था। ये साबित हो गया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है। अब सवाल ये है कि इसकी तहकीक कैसे की जाएगी। आज की जो इजलास हुआ है इसने कोई नई बात नहीं की। जो 37वीं इजलास की जो कंक्लूजन्स हैं उनको इंडोर्स किया है आज के इजलास ने, ठीक है। तो अब हल क्या है? हल हम बार बार ये अर्ज कर रहे हैं कि कौम में तशवीश है और उस तशवीश को दूर करने के लिए वाहिद हल यही है, एक जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट तश्कील दे और वो जुडिशियल कमीशन एक ओपन हियरिंग में इस बात की तस्दीक करे कि हकायक क्या है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये तो एक जिसे कहते हैं ना कि पर्दापोशी या जिसे कहते हैं ना हकायक को पूरी तरह जाहिर ना होने की एक कोशिश है।